नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गुलबीर सिंह चिश्याल और आज फिर लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। और इस वीडियो के साथ आज मैं आपको एक नई जगह दिखाने वाला हूं। ये वीडियो उसके ऊपर आधारित है। बड़े टाइम से मैं इस जगह को याद कर रहा था। मैं चाहता था कि आपको इस जगह के बारे में बताऊँ। ये एक ऐसी जगह है जो एक थोड़ी चमत्कारी है, जिसको हमारे जम्मू सिटी से लगभग ये दूर है, लगभग 120 किलोमीटर दूर है। और इस जगह का नाम है नेचर से रिलेटेड ये जगह है, जिसका नाम है कालीडब। और ये आज मैं जहाँ पे आपको लेके जाने वाला हूँ, जहाँ के मैं आपको चमत्कार दिखाऊंगा कि जहाँ पे क्या ऐसा चमत्कार है जिसके कारण ये जगह फेमस है। और बड़े मुश्किल से वहाँ पे जाके मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों को हमारी चमत्कारी चीज़ों के ऊपर विश्वास करने की थोड़ी आदत हो जाए। बड़े सारे लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, ये जो ये चीज़ें हैं, और तभी ये मैंने जो वीडियो बनाई है। तो जिसको विश्वास नहीं होता वो इस जगह पर जाके जो मैं बताने जा रहा हूँ वो वहाँ पर देख सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और घंटी वाला बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी नई वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए फिर आज इसी वीडियो के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो चलिए मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको आज की जो वीडियो। ये देखिए, वो एरिया है जहाँ मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। देखो कितना सुंदर एरिया है। ये एरिया एकदम कुदरत का करिश्मा ही समझ लो एक तरह से। इतनी खूबसूरत जगह है ये। नेचुरली पानी है, नेचुरली पेड़ पौधे हैं, खेत खलिहान हैं, और जहाँ की हर जगह की कोई ना कोई इतिहास है। किसी जगह का ले लो, चाहे आप खेत ले लो, पेड़ पौधे ले लो, नदियाँ नाले ले लो, तो ये जहाँ का इतिहास है। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पे, जिसके बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए, वो जो जगह है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, इसको डब्बर बोलते हैं, हमारी देसी भाषा में डब बोलते हैं। ये जहाँ की एक तवी है, जहाँ ये तवी जो जिसका इतिहास में थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ। ये जो डब्बर है, इसका ये इतिहास है कि जहाँ पे इसको बड़ा पूजनीय माना जाता है, इस डब्बर को। ये देखिए, जो लोहे का पुल देख रहा है जी, जहाँ क्रॉसिंग के लिए बनाया हुआ गवर्नमेंट ने। और मेरे साथ जो दो बच्चे आए हुए हैं, एक का नाम कालू है और एक समर्थ है, ये दोनों भी जहाँ नहाने आए हुए हैं। ये जो आगे छोटा लड़का देख रहे हो, ये कालू है, ये जहाँ पे लोकल रहने वाला है। ये बच्चे जहाँ के बड़े तेज़ होते हैं, जो डब में इसने छलांग लगा ली है। और जो पानी काफ़ी गहरा है, जहाँ 15 से 20 फुट पानी है और कई जगह पे 10 फुट भी है। लेकिन पीछे जहाँ पे मैं आपको मेन जगह बताने वाला हूँ, इस डब्बर के बारे में जो इतिहास है वो बताने वाला हूँ थोड़ा, जहाँ पे पानी 5-7 फुट से लेके 3-4 फुट से लेके पानी बहुत गहरा है। और बिना तैरी के हमेशा दोस्तों याद रखें, कभी किसी डब्बर में ना घुसें, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है। तो ये सुबह सुबह का समय है। ये देखिए, हाय दोस्तों, ये मैं जहाँ पे नहाने के लिए आया हूँ आज, और ये सुबह सुबह का समय है। ये देखिए दातुन, ये देसी दातुन है, जहाँ ब्रश नहीं है तो दातुन से ही काम चला रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और जहाँ पे नहा के भी बताऊँगा आपको ये कितना गहरा है, कितना नहीं, ये भी बताऊँगा आपको। और जो डब्बर का, ये देखो कालू ने फिर से छलांग लगा दी पानी में, और मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ का इतिहास। पानी देखिए कितना नेचुरल है। और ये देखिए, मैं इतिहास बताने वाला था। इस जगह का कालीडब नाम है, और ये बहुत मानी हुई जगह है, जहाँ पे ये डब्बर जहाँ देवी देवताओं का स्थान है, जहाँ किसी के जानवर वगैरह को बच्चा वगैरह ना होता हो तो वो जहाँ पे आके मानता मानते हैं, और जिसके कारण जहाँ पे आपके भैंस वगैरह या जानवर जो भी है, गाय वगैरह, वो हो जाती है, दूध दही वगैरह वाला सिस्टम बन जाता है। और जहाँ पे आके पहले आपको दूध दही चढ़ाना पड़ता है, फिर आपको आगे वो सिस्टम चलाना होता है, फिर आप दूध दही खुद खा सकते हो। ये जहाँ की मान्यता है, जहाँ पे आप जहाँ देवते माने जाते हैं, ये काली डब वाले देवते हैं। और जहाँ पे आप अरदास लगाओ कि अगर आपके घर में बछड़ा या बछड़ी जो भी रखा हुआ है, वो ये देखो मैं आपको नहा के बता रहा हूँ, ये कितना गहरा पानी है जहाँ पे। ये देखिए, बहुत सुंदर जगह है, बिल्कुल शीतल जल है, बरसात का मौसम है, नदी नालों में पानी ज़्यादा आम दिनों से ज़्यादा होता है। तो देखिए कितना शीतल पानी है। ये वो डब है जी, जहाँ पे बहुत गहरी है और बहुत खूब सारी मछली हैं इसके अंदर।
जो मैं आपको जहाँ का इतिहास बता रहा था, जहाँ देवताओं वगैरह को माना जाता है। ये देखिए ये डब्बर, और इसमें छोटे छोटे नाले आके मिलते हैं, और ये जो नदी देख रहे हैं ये शिवखोड़ी से आती है, और शिवखोड़ी से गंगा ही बोला जाता है इसे, छोटी गंगा, क्योंकि शिव जी के वहाँ से आती है, जे शिवखोड़ी के प्रॉपर वहाँ से चलती है ये नदी, और जहाँ पे पहुँचती है ये जो काली डफ है, जहाँ का इतिहास जो आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत मानी हुई है, जहाँ पे आप किसी तरह का अपने अपने बैंस वगैरह के लिए आप सोने के लिए वो डाले रखिए, अरदास रखिए, तो वो उसके वो द्वारा दूध दही देने शुरू हो जाती है, एक तरह से दूध देने शुरू हो जाती है। तो ये देखिए मैं आपको जहाँ पे मछली वगैरह बता रहा हूँ, देखिए जहाँ पे कितनी सारी मछलियाँ अभी पानी में कम दिखाई दे रही हैं, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी मछली हैं और बहुत बड़ी नदी है। ये देखिए आपको मछली दिख रही होगी, ध्यान से देखिए। तो जहाँ पे हर हफ्ते कोई ना कोई आके, जहाँ संडे का दिन होता है जहाँ पर आप देवी देवताओं को पूज सकते हैं, तो जहाँ पर ये चावल वगैरह चढ़ाए जाते हैं या कुछ भी खाने के लिए मछलियों को डाला जाता है, और इन मछलियों को ही देवी देवताओं के रूप में माना जाता है जब पूजा जाता है, क्योंकि देवी देवता तो नज़र आते नहीं हैं, ये मछलियाँ ही नज़र आती हैं। तो ये देखिए आप ध्यान से, ये जहाँ पर बहुत गहरा पानी है आगे, और इस जो पत्थर दिख रहे हैं इनके नीचे एक गुफा है एक तरह की, जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो ये जहाँ का इतिहास है। तो दोस्तों ये देखिए ये जो झंडे झुंडे लगाए हुए देवते की, तो ये थी आज की जगह जिसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरी जानकारी देने की कोशिश की है और पूरी जगह आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये दोस्तों ये थी आज की जो वीडियो, ये वो जगह थी काली डब जिसको बोलते हैं, जहाँ पे क्या चमत्कार होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को भी हमारी जो चमत्कारी चीज़ें होती हैं उनके बारे में पता लगे। इंडिया में, इंडिया को तो वैसे ही चमत्कारी देश कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पे जादू से जुड़ी हुई बड़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मेरे चैनल को थोड़ी ग्रोथ मिले। हम नए हैं जम्मू में, जम्मू के डुग्गर हैं हम, तो डुग्गर को फेमस करने के लिए हमारी वीडियो ज़्यादा शेयर करें, ताकि जम्मू का जो एरियाज हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो लोगों को भी पता लगे आउट ऑफ स्टेट जो हमारे जम्मू से बाहर रहते हैं जो लोग, उनको भी हमारे जम्मू के कल्चर के बारे में पता लगे, जम्मू की जगह के बारे में पता लगे। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे को सपोर्ट करें। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय डुग्गर।